जो पार्ट्स खुलने थे वो सारे खुल गए, ये पूरा निकाला हुआ है। ओके, सो मैं अभी दिखाता हूँ कि मेरा पूरा क्या काम हुआ है। मैश का ऐसा कवर किया हुआ वायरिंग को। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो काफी टाइम से रैट्स ने मेरी वायरिंग जो कट कर रहे हैं ना, और उसके बाद रिसेंटली भी कट किया था, एंड मैंने अराउंड 5 to 6 टाइम रिपेयर कर दिया। क्या होता है ना कि ज्यादा वायरिंग को रिपेयर करने से उसमें बीच में जो जॉइंट्स आते हैं ना, उससे बैटरी पे लोड पड़ता है और कार का ECU वगैरह ये सब होता है वो भी शॉर्ट हो सकता है। सो फाइनली मैंने सोचा है कि अभी राइट्स का जो भी है सॉल्यूशन वो इतना मतलब अफेक्टिव नहीं है। जो स्प्रे भी मैंने बोला था ना, वो स्प्रे से भी बार बार इंजन में स्प्रे करने से ना बहुत स्टिकी हो जाता है और उससे ना सेंसर्स वगैरह खराब होने के चांसेस भी हैं। सो फाइनली अभी मेरे को एक सॉल्यूशन, मैंने ये सोचा है कि उसकी जो भी वायरिंग है इंजन एरिया में वो सारा हम लोग कवर करेंगे। मैश आता है तो मैश से कवर करेंगे, और उसके बाद AC वाला जो पार्ट है वहां पे एंट्री वहां पे मैश लगा के कवर करेंगे, एंड पीछे भी रेयर साइड में भी रेयर व्हील के पास में भी एक एंट्रेंस है, वहां से भी राइट्स अंदर कैबिन में आ सकते हैं। तो वो सब भी अभी प्लान किया है कि मैश करना है। सो मैश मैं अभी करवाने वाला हूँ, मेरे घर के पास एक जगह है वहां से, और उसने बोला है मुझे अराउंड 11,000 कुछ लगेगा। सो 11,000 है पूरा, वो अंदर इंडिविजुअल वायरिंग को कवर करेगा, मैश से पीछे करेगा और AC वाला। सो मैं अभी वहीं के लिए निकल रहा हूँ, आगे जाके ब्लॉग में दिखाता हूँ आपको कैसे कैसे वो लोग पूरा कवर करने वाले हैं। मैश में उसने मुझे बोला है कि वो ऑलमोस्ट पूरा 5-6 घंटे लगने वाले हैं, शायद ये पूरा दिन भी लग सकता है। सो इसलिए मैं अभी निकल रहा हूँ जल्दी, मॉर्निंग में अराउंड 10 हो रहा है अभी। ये रही मेरी कार, कल मैंने करवाया था इसका सेकंड सर्विस, कवर चढ़ा के रखा है बिकॉज स्क्रैचेस आ रहे हैं बिल्डिंग में, बच्चे खेलते रहते हैं इतना। और ये दिखाता हूँ मैं आपको कहाँ पे दोबारा से कट किया था। तो ये ना पूरे मैंने ऐसा राइट के ये लगा के रखे हैं, स्टिकी ट्रैप बोलते हैं इसको। सो ये इफेक्टिव तो है, मतलब जहाँ जहाँ मैंने लगाया ना, ये जो मेन एरिया है ना मैंने वहाँ पे लगाया, जैसे बैटरी वाला एरिया है, उसके बाद ये वाला एरिया है, देन ये यहाँ पे सबसे मेन एरिया इंजेक्टर्स यहाँ पे लगे हैं। सो ये सब एरिया में लगाया और ये काम करता है। नैपलिन बॉल भी रख दिए थे मैंने, बट मुझे लगता नहीं शायद इतना इफेक्टिव है। और इंजन एरिया में ना मैंने वो पेपरमिंट जो मैंने स्प्रे किया था ना, बहुत स्टिकी हो गया था इंजन यार, तो उसके वजह से मैंने अभी इसको स्प्रे करना छोड़ दिया। मैं कार का जो भी जो साइड्स होते हैं ना, मतलब ये फ्लोर पे वहाँ से मैं स्प्रे करता हूँ पेपरमिंट ऑयल के, उस स्मेल से एटलीस्ट वो कार के पास ना आए। सो अभी बंद करते हैं कार को एंड निकलते हैं यहाँ से, पहले मैं ये सब निकालूंगा अंदर से। तो ये है शॉप यहाँ पे पीछे, बट यहाँ पे स्पेस नहीं है, सो वो वाली कार बाहर निकाल रहे हैं, उसके बाद मैं अपनी कार को अंदर करूंगा। कोई तो इलेक्ट्रिकल शॉप है और गैरेज भी है ये यहाँ पे। तो अभी सारे पार्ट्स को निकाल रहे हैं, बैटरी वगैरह। जो पार्ट्स खुलने थे वो सारे खुल गए, ये सारा ये हमारा मैश आ गया है, ये भैया अभी यहाँ पे मैश कट कर रहे हैं। ये AC वाला जो पार्ट है ना इसका, वहाँ पे ये उसका अभी सारा खोल दिया वाइपर्स वगैरह, यहाँ पे अभी मैश लगेगा शायद से। ये सारे जो पार्ट्स निकाले थे, तो यहाँ पे ये भी एक कार है, इसमें भी पूरा मैश करके रखा हुआ है। तो अभी तक इतना मैश हो चुका है। भैया कहाँ गए? शादी तो अभी रियर साइड का जो तो बम्पर है ना, ये पूरा निकाला हुआ है, और अभी यहाँ पे इस साइड में यहाँ पे लगाएंगे मैश को। ये भी एक पीछे एंट्रेंस है पूरा। तो यहाँ पे ये वाला कवर किया है, और ये मैंने पहले दिखाया था, ये रियर का एंट्रेंस है। और अलावा इसके अलावा और कुछ नहीं है ना पीछे? नहीं है, पीछे दूसरा गाड़ी में इधर इधर गैप रहता, तो ये गाड़ी में नहीं है। अच्छा, तो लास्ट ट्रिप के बाद मैं अभी घर पे आ गया हूँ, और यहाँ पे मैंने अपनी कार को पार्क किया हुआ है अपने घर पे। सो मैं अभी दिखाता हूँ कि मेरा पूरा क्या काम हुआ है।
ये आप लोग को दिख रहा है पूरा, ये पूरा मैश का ऐसा कवर किया हुआ वायरिंग को, मतलब एक एक वायरिंग को ऐसा कवर किया है। और ये सब जो ज़्यादातर बाइट करते थे ना रैट्स, ये सब भी मैंने ये इसको कवर करवा दिया है। एंड यहाँ पे सोल्डर करवाया हुआ है इसको, कुछ तो लोग बोलते हैं सीलेंट से इसको सील कर दिया है। उसके बाद ये सब पूरा जो भी वायरिंग था ना सॉफ्ट वायरिंग, वो सब कवर करा हुआ है, ये कूलेंट का वायरिंग ये सब। एंड देन उसके बाद ये वॉशर फ्लूड है ना, ये वाला हमेशा कट करता था, ये सब हेडलाइट्स का किया हुआ है, ऑलमोस्ट सब कुछ किया है एंड पूरा ये कवर करने का। एंड इसके पीछे मैंने दिखाया था जो एसी का कंपार्टमेंट था ना, वो सब भी कवर किया। सो इस सब को कवर करने का उसने लिया है अराउंड 11,000 एंड पीछे भी कवर किया है। सो मुझे तो यही अल्टीमेट सॉल्यूशन लग रहा था, बिकॉज सब कुछ ट्राई करने के बाद अभी तक राइड्स बाइक कर रहे हैं। सो मैंने फिर फाइनली ये करवा लिया, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है 11,000, तो ये सब उसने किया हुआ है। और जैसे ये वाला पार्ट दिख रहा है ना, तो मोस्टली उसने बोला है कि ये सब ना मेन वायरिंग होता है और ये ECU वगैरह के पास होता है। सो ये अगर एक साथ अगर करेंगे ना तो शॉर्ट होने का चांस होता है, तो कुछ कुछ पार्ट्स जो है ना वो सब एक्सपोज रहने देना पड़ता है। तो वो इलेक्ट्रिकल्स वालों को ही पता होता है कौन सा पार्ट, जैसे ये सब कवर किया हुआ है, ये सब कवर किया हुआ है। सो ये है, फाइनली मैं घर पे आ गया हूँ। सुबह में 10 बजे गया था और अभी 6 बज रहे हैं शाम के, और बीच में अगर ब्रेक्स वगैरह हटा दें तो उन लोगों ने ऑलमोस्ट मेरी कार पे 6 आवर्स काम किया, मतलब काफ़ी ज़्यादा, और दो लोग कंटिन्यूसली काम करते जा रहे थे, तो वर्थ लग रहा है मेरे को। तो 11,000 स्पेंड करना वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, और अगर फ्यूचर में ये काम नहीं करता है तो मैं आपको ज़रूर अपने चैनल पर अलग से दोबारा ब्लॉग बनाऊंगा कि कैसा वर्क कर रहा है, या फिर उसको रैट्स ने मतलब खोलने की कोशिश की है। कुछ भी अगर कार में और प्रॉब्लम्स आते हैं ना, होपफुली ना आए, बट अगर आते हैं तो इनकेस मैं आपको वीडियो ज़रूर अपलोड करूंगा। बट मुझे लगता है कि ये बेस्ट सॉल्यूशन है, बिकॉज मैंने नेट पे जितना भी देखा ना, सब ट्राई करने के बाद कुछ भी वर्क नहीं करा है। अल्टीमेट सॉल्यूशन यही है कि जो वायरिंग्स को वो कट कर रहे हैं ना, वही आपको कवर करना होगा। और अगर आपकी कैबिन के अंदर तक पहुंच गए हैं तो आपको एसी फिल्टर वाला जो पार्ट है ना, एसी की जिससे हवा आती है ना, वो वाला सब कुछ आपको कवर करना होगा, डैशबोर्ड वाला, एंड देन पीछे जो रेयर एंट्रेंस है ना, वही सब है। सो बार बार आप मतलब बाकी चीज़ें करते रहो, बट कुछ फ़ायदा नहीं है। सच है, एक बार आप 11,000 या फिर आपकी कार के अकॉर्डिंग जितना भी वो लोग बोले, बिकॉज मेरी कार नई है और उसमें ज़्यादा सेंसर से काफ़ी मतलब काफ़ी ज़्यादा वायरिंग वगैरह थी, तो लोगों ने थोड़ा ओवरचार्ज नहीं, मतलब ठीक ही चार्ज किया है। जो कार्स पुरानी है, मे बी उसमें वायरिंग कम हो, तो उसमें ज़्यादा वो लोग चार्ज नहीं करें, पर मीटर ऐसा कुछ चार्ज करते हैं वो लोग, 600 पर मीटर मेश का ऐसा, मुझे इतना मेरे को याद नहीं है ठीक से। सो इस ब्लॉग को मैं यही पेंड करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।